नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 3 बार लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरे गहरा लंबा श्वास। पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, हाथों के दर्शन करें। करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ले जाते हुए पीछे लेके जाएं, दाईं कलाई से पकड़ लें, श्वास भरें, छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं। हिप्स को और कलाई को पीछे की तरफ तान के रखें। धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते जाएं। पीसीओडी, लेडीज प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। दाईं ओर टिल्ट करें, श्वास भरे, छोड़ते हुए दाईं ओर। कंधे को दाएं घुटने से आगे निकालने का प्रयास करें। दाईं ओर हमारा लीवर होता है, लीवर अफेक्टेड होता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। श्वास भरते हुए आएंगे वापस। बाईं ओर टिल्ट करें, श्वास भरे, छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। योग मुद्रा का अभ्यास कार्यक्रम के स्टार्टिंग में करने से आपकी ऊर्जा का लेवल अंत तक पूरा रहता है, एनर्जी लेवल डाउन नहीं जाता बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सामने लेकर आए। अब हम करेंगे चक्की आसन। करेंगे, पैरों को सीधा कर लिया आपने, दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाए और श्वास भरते हुए बड़े से बड़ा चक्की, आपको बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, बड़े से बड़ी सर्कमफ्रेंस बनाना है। आगे से आगे, पीछे से पीछे जाने की कोशिश करें। बॉडी की, कमर की, पेट की टोनिंग हो जाती है, बहुत सुंदर। विपरीत दिशा में कमर का फैट बहुत जल्दी कम होता है इन क्रियाओं को करने से। आएंगे वापस, अपनी कोहनियों पर आ जाएं और आपको अपनी टांग वन बाय वन ऊपर उठानी है। घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें, देर से खाना खाया हो तो इसको ना करें।
हमारी नाभि के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। आएंगे वापस, एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। अब हम करेंगे हस्त पादुकोणासन। ये लीवर के लिए और हमारे गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम डेली जो आसन आपको स्टार्टिंग में करवाते हैं ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप इनसे स्टार्टिंग करते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं कर पाते हैं इनको स्टार्टिंग में तो जो सूक्ष्म क्रियाएं बीच बीच में आपको करवाई जाती हैं तो उससे आप कर पाएंगे। दोनों हाथों को सामने खींचे, श्वास भरते हुए हिप्स के ऊपर बैलेंस बनाना है। आ जाएंगे वापस, एक दो श्वास ले लें, फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। मन को बना के फिर से करें एक बार। आएंगे वापस, दाएं बाएं ट्विस्ट करें। ये भी आपके पेट की, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है। आंतें प्रभावित होती हैं, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। आएंगे वापस, बाएं हाथ को आप ऐसे सुखासन में बैठ गए हैं, बाएं हाथ को रखे दाएं घुटने पर, दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरे छोड़ते हुए झुके बाईं ओर, हाथ को तान के रखना है बिल्कुल सीधा, उंगली का एक एक ज्वाइंट को खींचे ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए हाथ को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को वापस लेकर आए। यही क्रिया दाएं हाथ से करेंगे। अब आपने रखा बाएं घुटने पे, बायां हाथ तानते हुए ऊपर खींचे ऊपर की तरफ पहले। ये क्रिया उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे हम खड़े होकर बेंडिंग वाले आसन करते हैं ना, वही वाले आसन ना बैठकर कुर्सी के ऊपर भी कर सकते हैं। खींचे और श्वास भरे छोड़ते हुए दाईं ओर। इस समय पे जो आपका रीढ़ के जो L1, L2, L3 गोटियां हैं, थोरेसिक की जो गोटियां हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। कई बार गैशियस प्रॉब्लम हो जाती है और कमर के सेंटर में पेन हो जाता है, तो ये भी क्रिया उसको भी ठीक कर देगी। आएंगे वापस, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, सेम अभी रिपीट कर रहे हैं। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ा आपने, दाएं हाथ को पीछे रखा और दाई ओर से ट्विस्ट करेंगे। गर्दन साथ साथ मूव करेगी, गर्दन को ड्रॉप नहीं करना। पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है। श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में और यही क्रिया बाएं पैर से करें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास भरे छोड़ते हुए पीछे झुके, पीछे की तरफ रोटेट करना है, अपने आप को ट्विस्ट करना है।
आएंगे वापस। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज करने के लिए आपने इस तरीके से अपनी हथेलियां जमीन पर रखी, दोनों घुटने खोल लिए और पैरों के पंजे लिटा लिए। आपको क्या ध्यान देना है कि ये को आपकी कलाई, मतलब क्या कहते हैं उसको, हथेली और ये घुटना और वो पंजा एक सीध में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, इससे आपका जो एंगल है वो बहुत अच्छे वाला बन जाएगा। श्वान भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम ऊपर से ऊपर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि को ऊपर उठाएंगे और माथे को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। कैट एंड कैमल पोज कहते हैं इसको। कोहनियों को ढीला मत छोड़ना, कोहनियां बिल्कुल तान के रखना सीधी। करें 5 टाइम्स। सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत आसान, सभी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। जो हमारे सर्वाइकल वाली वीडियो है उसके अंदर भी इसको बताया गया है। आ जाएंगे वापस इसी पोज में। आपको अपने एड़ियों पर जोर डालते हुए, पंजों पर जोर डालते हुए उठ जाना है और अपने एड़ियों को पीछे से पीछे लेके जाना है, पीछे से पीछे और पीछे ले जाओ। आपको मैं दिखाने के लिए आगे आ जाती हूँ, देखो और पीछे ले जाओ, ऐसे सरकाते जाओ, पीछे लेते जाओ। अपने हिप्स को खींचो पीछे की तरफ, हथेलियों को आगे खींचना है, हिप को पीछे की तरफ दबा के रखना है और एड़ियों को जमीन से लगा देना है। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, टांगों का दर्द ठीक हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा पोज है ये। थोड़ी को चेस्ट से लगाने से स्पिरिचुअलिटी आती है, डिप्रेशन तनाव ठीक हो जाता है। पर्वताकार आसन कहते हैं, जितना फिर रुकेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पिंडलियों पे, काफ मसल पे बहुत सुंदर इफेक्ट आता है, जिससे कि पेरिफेरल हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा ढीला करें टांगों को और चलाएं घुटनों को। इस क्रिया को करने से हिप्स का फैट, थाइस का फैट कम हो जाता है। फिर से एक बार एड़ी को लगाएं जमीन से, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग कर रहे हैं आप। थोड़ा सा ढीला करें और चलाएं। धीरे धीरे चलते हुए इस तरीके से आए और घुटनों को सीधा करें, बिना घुटने मोड़े माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां कोशिश करें जमीन के ऊपर बिछाने की, 20 उंगलियां एक सीध में। एक बार फिर से वापस जाएंगे, इसी तरीके से जाना है आपको वापस, छोटे छोटे कदम रखते हुए। पीछे से पीछे लेके जाएं, आगे आए चलते हुए। घुटने बिल्कुल सीधे कर ले, इस समय आपकी नाभि के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट आता है, पेट का मोटापा कम हो जाता है। श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेड़ों को अंदर की तरफ दबाते जाएं,
और माथे को घुटने के पास लाते जाएं। पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाती है। पाचन क्रिया बढ़िया हो जाएगी तो निष्कासन क्रिया भी बढ़िया हो जाती है। धीरे धीरे दोनों हाथों को कानों के साथ लाते हुए सीधे खड़े हो जाए। दाएं बाएं से हाथों को वापस लेकर आए। अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे आप। खड़े हो गए आप, चलना शुरू करें। देखो दोनों कोहनियों को एक दूसरे से ऐसे पकड़ना है। आपके पीछे हाथ पकड़ने से आपके कंधे पीछे की तरफ रहते हैं, आगे की तरफ बेंट नहीं होते हैं। को चलाएंगे, जो लोग कहते हैं कि हम पार्क नहीं जा सकते, टेरिस पे टेरिस नहीं है हमारे पास, तो वो लोग, उनके पास 6 फीट का ये योगा मैट तो होगा ना जिस पे हम योग करते हैं, आपके लिए इतनी जगह भी सफिशियंट है। करना चाहिए तो आप इसके ऊपर भी उतने कदम चल सकते हैं जितने आप पार्क में जाके चलते हैं। वापस आ जाएं, एड़िया लगाएं हिप के साथ। वापिस दाई टांग को उठाएं ऊपर, घुमाएं क्लॉकवाइज, टखने को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप। जिनको पैर में बाइटे आते हैं, क्रैम्स की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, बाएं पैर से करें इस क्रिया को। विपरीत दिशा में आ जाएंगे वापस, एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। दोनों हाथों को रखें और दाई टांग को चलाएं बिल्कुल फ्री फ्लो पेंडुलम की तरह। जितने भी स्टेबिलिटी वाले आसन होते हैं ये, उससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बाई ओर से करें। अगर आपको ज्यादा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि दीवार का सहारा ना लिया जाए। आएंगे वापस। अब आप जैसे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कैसे खेलते हैं पीछे, इसके लिए आप दीवार को पकड़ सकते हैं। देखो जैसे कि बॉल को आपने हाथ लगा लिया और आपने राइट पैर से पीछे पूरा, पीछे पूरा आगे, लाइक फुटबॉल खेलते हैं जैसे। अभी आपने साइड वेज किया था, अब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वापिस। अब दूसरी टांग से करेंगे इसको। दीवार का सहारा ले ले, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपको फिर भी नहीं हो पा रहा तो कमर पे दूसरा हाथ रख लो।
बिल्कुल फ्री फ्लो, ये आपका हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देंगे वापस, दोनों हाथों को दाएं बाएं खोले, घुमाए घुमाए अपनी कमर को दाएं बाएं। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, सिर्फ थोड़ा आगे होके करके दिखा रही हूँ आपको। ये कमर की एक्सरसाइज है बेसिकली। आपके पैरों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, दोनों हाथ 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट आपके हाथ है, कमर को ट्विस्ट करना है ओनली एंड ओनली कमर को, पैरों को नहीं हिलाना। तो आपके सारा जो इफेक्ट है वो कमर के ऊपर आएगा और कमर का दर्द ठीक हो जाए। आएंगे वापस, दोनों हाथों को ऐसे कंधों पे रखें और बिल्कुल स्ट्रेट करें, बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों घुटनों को पीछे की तरफ दबा के रखें, घुटनों को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना। दाएं बाएं पेट को अंदर दबा के रखो, इससे आपका उद्यान बंद, मूल बंद आपने लगा ही रखा है, लोअर बॉडी को तो आपने ऊपर स्ट्रेच किया हुआ है। पेट को अंदर पिचकाओगे तो आपका उद्यान बंद भी लग जाएगा। अपर बॉडी को मूव कर रहे हो, लोअर बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी, ऊपर नीचे बिल्कुल सीधे हाथ। आएंगे वापस, दोनों हाथों को रखे कमर पे, घुमाए कमर को चारों दिशाओं में। इस क्रिया को करने से कमर का, घुटने का, एड़ियों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, टखने का ज्वाइंट। विपरीत दिशा में, चारों डायरेक्शंस में अच्छे से करना, ठीक है। आएंगे वापस, दोनों हाथों को सामने लाए, जैसे चेयर पे बैठते वैसे बैठे। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी एड़ियां, अपने कंधे और अपना सिर दीवार से लगाओ और दोनों हाथों को सामने लाओ। अब अपने हिप्स को खिसकाते हुए, दीवार से खिसकाते हुए धीरे धीरे घुटनों को बेंड कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। कई बार क्या होता है, मैं एक को तो एक चीज को सही कर लेते हैं और दूसरी चीज को खराब कर देते हैं। इस समय आप घुटने को बेंड कर रहे हैं तो आपकी जो कमर गर्दन रीढ़ है वो बिल्कुल सीधी है। जितना देर आप रुक सकते हैं रुके, जो जल्दी वापस आ जाते हैं वो फिर से कर सकते हैं। फिर से श्वास भरें और नीचे नीचे जाएं। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों को रखे थाइस पे, घुमाएं घुटनों को दाईं ओर से। अगर घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ है और ये घुटनों की चक्की आसन कहते हैं इसको, अगर इसको करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो उसको ना करना। कोई भी क्रिया आप करते हैं अगर आपको लगता है कि आराम पड़ रहा है, जो पेशेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो करें, और उनको लगता है कि दर्द बढ़ रहा है तो वो ना करें। विपरीत दिशा में
आ जाएंगे वापस, क्षण भर का विश्राम ले लें। आसन या कोई भी क्रिया करने से जो हमारे टॉक्सिन होते हैं, हमारा मल होता है, वो उखड़ जाता है और लंबे गहरे श्वासों के माध्यम से वो टॉक्सिन प्राण प्राण वायु के द्वारा, यानी कि जो आप श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं उसके जरिए वो जो टॉक्सिन होता है वो बाहर निकल जाता है। एक्चुअली में हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलने के चार तरीके होते हैं, मल, मूत्र, पसीना और प्राणवायु। जो आप श्वास लेते हैं उसके जरिए हम मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये चार तरीकों के माध्यम के अलावा एक हमारे टीयर ग्लैंड होते हैं जिससे आप आंसू के जरिए भी बाहर निकाल देते हैं कई बारी, लेकिन वो लिमिटेड टू द आईज है। टीयर ग्लैंड ओनली आईज के लिए होते हैं। बाकी जो कि बाकी चार मैंने आपको तरीके बताए हैं टॉक्सिन को बाहर निकालने के, ये हमारी फुल बॉडी पे काम करते हैं। तो आपको इन चारों के ऊपर ही वर्क करना होगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो आप सोचें आपकी बॉडी के अंदर कितना टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, क्लियर ना। तो ये आपको ध्यान दिया, जिसको ज्यादा पसीना आता है या पसीना नहीं आता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के इमेजिनरी तीन भाग करें। जैसे आपका जो आसन है 6 फुट का आसन होता है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2-2 फीट हो जाएगा। तो पहले 2 फीट में आपको खड़ा होना है, एड़ी मिलाए, पंजे खोले, दोनों हाथों को जोड़े, सूर्य भगवान का मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। सूर्य भगवान की लालिमा को धारण करें अपने हृदय के अंदर। ध्यान को लेके जाएंगी आज्ञा चक्र पर, जहां पर आप बिंदी और तिलक लगाते हैं। मित्र के रूप में आह्वान करें, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, भुजाएं कानों के साथ, उंगलियां खिंची हुई, पहले भुजाएं पीछे उतनी गर्दन पीछे, श्वास भरे छोड़ते हुए लोअर बैक से नीचे झुकते जाए, भुजाएं कानों का साथ ना छोड़े। श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को लाते जाएं घुटने के पास, लेकिन घुटने बिल्कुल भी ना मोड़े। इस समय आपका मणिपुर चक्र प्रभावित हो रहा है, मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, पेट का मोटापा कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या किसी भी तरीके की पाचन व निष्कासन क्रियाओं की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। घुटने ना मोड़े, देखिए आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर कितना सुंदर इफेक्ट आता है और वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। श्वास भरे दाई टांग पीछे, दाई टांग पीछे से पीछे और गर्दन ऊपर, दाया घुटना पृथ्वी से उठा के रखें, स्वादिष्ठान चक्र प्रभावित, प्रजनन अंगों के पीछे रीढ़ पर, बाएं कोनी से बाएं घुटने को दबा के रखना है इस समय पे। जल संबंधी तत्व ठीक हो जाते हैं, जल संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर। बाएं टांग भी पीछे, दोनों एड़ियां जमीन से लगा दें, पर्वताकार आसन की हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसके लाभ हम आपको बता चुके हैं।
लाल शरीर को बिल्कुल तख्ते के समान सीधा कर दे। घुटने, सीना, ठोड़ी, माथा पृथ्वी से, पेड़ू ढीला, श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को लगाए जमीन से, श्वास भरते हुए पूरी कोहनियां सीधी कर दे। घुटनों को उठाते हुए फिर से आगे रेडियो पर, श्वास भरते हुए दाई टांग आगे। एक ही बार में प्रयास में कोशिश करें कि आपकी दाई टांग दोनों हाथों के बीच में आ जाए। बाया घुटना जमीन से उठा के रखें, गर्दन ऊपर। इस समय आपका लीवर दब रहा है पैंक्रियास की जाओ में। लाएंगे बाई टांग भी आगे, 20 उंगलियां एक सीध में। ये भी आपने पहले किया था, इसके भी आपको सारे लाभ बता दिए हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के ऊपर, भुजाएं कानों से निक पीछे, आए प्रणाम की मुद्रा में, सूर्य भगवान से बल, बुद्धि, विद्या और यश की कामना करें। हाथों को नीचे लाएं और शवासन में करें विश्राम। शवासन में लेट जाए। लंबे गहरे श्वास, नाभि से कंठ तक गहरा लंबा श्वास भरे, रोके, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। उखड़े हुए श्वासों में कोई भी आसन या प्राणायाम ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को सिर की ओर, श्वास भरे, ताने हाथों पैरों को विपरीत दिशा में, नाभि से अपने शरीर के दो भाग होते हुए देखें, घुटनों को यथासंभव पृथ्वी से लगाकर रखें, श्वास छोड़ते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींचें और घुटनों को लगाएं जमीन से। ताड़ासन, बुढ़ापे में होने वाली कंपन, जोड़ों के दर्द नहीं होते हैं, बच्चों का कद बढ़ता है। करें 3 से 4 बार करें इस क्रिया को। कमर का दर्द ठीक हो जाता है। यहीं से करेंगे नौवासन का अभ्यास। नौवासन का अभ्यास करने के लिए दोनों टांगों को एक साथ उठाएं ऊपर और बैठें।
माथे को बैठे तो माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें और लेटे तो पैरों के पंजे को जमीन से लगाने की कोशिश करें। बैठकर करें विश्राम। इस आसन को करने से मोटापा बहुत तेजी से कम होता है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लंबे गहरे श्वास। इसका नाम था नावासन। अगर कमर में बहुत ज्यादा पेन हो तो नावासन का अभ्यास मत करना। आपको जो ट्विस्टिंग बताई थी वो ट्विस्टिंग आप कर सकते हो, सीधा लेट के दाएं बाएं जो आपको ट्विस्टिंग बताई थी, कल भी बताया था, वो आप कर सकते हैं। तो बाद में आपको फिर बता देंगे। एक बार अपने पैरों को मैक्सिमम खोले, कमर चक्रासन करने जा रहे हैं। मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी टांगों को खोल सकते हैं उतना ज्यादा आपको खोलना है, ठीक है। दोनों हाथों को सामने लाओ। पहले इसका स्टार्टिंग पोज करेंगे। कमर गर्दन को सीधी करो, श्वास भर के छोड़ते हुए दाईं ओर। कमर भी साथ साथ मूव करो, कमर भी और दोनों हाथ भी। बाईं ओर ऐसे आपकी कमर फॉर्म में आ जाती है कि मुझे दाएं बाएं ट्विस्ट करना है। दाईं ओर श्वास भरते हुए सेंटर में, श्वास को बाहर निकालते हुए फिर दाईं ओर, श्वास को भरते हुए सेंटर में, बाहर निकालते हुए बाईं ओर करें। घुटनों को शक्ति पूर्वक जमीन से लगा के रखना। अब हम कमर चक्रासन शुरू करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पंजों को थोड़ा खींच के रखो। इसके लिए बाएं हाथ को पीछे ले जाओ, क्योंकि हमको दाईं ओर, अभी हम बाईं ओर झुक रहे हैं तो बाएं हाथ को पीछे ले जाओ। दाएं हाथ को ऊपर लेके जाओ बिल्कुल कान के साथ और श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने की तरफ बेंड होना शुरू करो। एक दो बार में नहीं होगा लेकिन बाद में होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप फ्लो में आओगे, फॉर्म में आओगे। तो फिर ये हाथ नीचे ले आओ, ये वाले हाथ को ऊपर ले आओ। कोशिश करना घुटने जमीन से लगे रहे। अब पैरों के फासला कम करके विश्राम कर लो। बेसिकली क्या होता है, इसको करने से, कमर चक्रासन को करने से जो हमारा रीढ़ का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो बहुत सख्त होता है और सभी को आपने देखा होगा कि L4 L5 रीजन में ही पेन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि L4 L5 को एकदम से बेंड करना शुरू कर दो। बहुत पीछे से आपने देखा कोशिशें करके हम आते हैं तो जाके हम आपको L4 L5 को बेंड करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे एक्साइटेड होके मत करना कि आप एक्साइटेड हो गए और आपने करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बाद ही इसको बेंड करना चाहिए ताकि फैट लॉस करने के लिए कमर चक्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठना।
एड़ी पंजे मिला लो, दोनों हाथों को दाई ओर और घुटनों को बाई ओर से ऐसे फोल्ड करो और वज्रासन में आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आपको रोजी बताती हूँ कि लेकिन बिगनर्स देखो रोजी नहीं जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं रोजी बताऊंगी ये वाली बात कि जिन लोगों को देखो वज्रासन में वैसे ऐसे बैठते हैं, ठीक है सबको बैठना आता है, लेकिन कई बार क्या होता है घुटने में ज्यादा तकलीफ होती है और हम नहीं बैठ पाते या घुटने में दर्द है, तो आप या आपके घर में बूस्टर होगा या फिर कम दबने वाला पिल्लो होता है, आप इसको ऐसे के रख सकते हैं बिल्कुल हिप्स के साथ और फिर बैठ जाए, और कोई भी आपको क्रिया करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस कोई लेयरिंग करके भी अगर आपको लगता है कि पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा तो आप एक और लेयरिंग कर सकते हैं, फिर एक और कर सकते हैं, मतलब आपके जो घुटने का एंगल है वो 0 डिग्री ना बन के ज्यादा एंगल हो जाता है और आपको पेन नहीं होता, और फिर ज्यादा तकलीफ है तो फिर चेयर के ऊपर कर लो। बाकी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनके थोड़ी तकलीफ है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, थोड़ा समय इसका यूज करके कर लो, उसके बाद इसको हटा देना। दोनों हाथों को ऐसे रखो कंधे पे, आगे से कोहनी मिलाओ, श्वास को भरते हुए, श्वास को भरा पूरा कान के साथ, पीछे ले जाके रुको, जरूर रुकना है यहाँ पे ताकि शोल्डर प्लेट्स आपस में मिले, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नीचे आए, फिर कोहनियों को मिलाते हुए विपरीत दिशा में, आ जाएंगे वापस। अब करेंगे स्कंद चालन क्रिया। स्कंद चालन देखो हमारे जो घुटना है उसकी मूवमेंट एक तरीके की नहीं होती, तीन तरीके की होती है, तो यदि हम हर तरीके की मूवमेंट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पेन नहीं जाता, तो हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसकी इसमें आपके जो कंधे हैं पूरे तरीके से रोटेट होते हैं पीछे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को आगे से नमस्ते करें। नमस्ते करना भी एक कला है, मतलब जैसे हम डीडी डाली नमस्ते नहीं, नमस्ते आप क्या योगिक नमस्ते कर रहे हैं, कोनिया बिल्कुल पैरेलल टुवर्ड्स अर्थ और दोनों हाथों को परस्पर दबाना है एक दूसरे से, दोनों हथेलियों को दबा के रखना है। देखिए एक्यूप्रेशर हो रहा है ना, कमर गर्दन सीधी कर लो, देखा आपने। अब आपको यही नमस्ते पीछे से करनी है, पहले धीरे धीरे कोशिश करो, और वो भी नमस्ते आपको दबा के रखनी है। दोनों कंधों को पीछे की तरफ खोल के रखना है कंधों को अपने, और दोनों हाथों को परस्पर दबा के रखना है। इन क्रियाओं को करने से कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिनका हो गया है हैट्स ऑफ टू देम, और अपने आप को दबा के रखने कोशिश करो कि 2 मिनट या 1 मिनट बैठा जाए। कंधों की एफिशिएंसी बढ़ती है, उंगलियों की एफिशिएंसी बढ़ती है, जो लोग ज्यादा रिटर्न काम करते हैं आज मैं म्यूट करना भूल गई अपने फोन को।
आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को सामने लाए, अंगूठे को अंदर बंद करते हुए दबाएं उंगलियों से अंगूठे को और दबाएं, और कंधे आपके बिल्कुल ये जो आपकी कलाई है कंधे बिल्कुल एक सीध में रखना, और दबाएं और दबाएं और झटके से खोल दें। अब धीरे धीरे आपने क्या करा, उंगलियों को बंद करा और अंगूठे को बाहर से दबाया, वेरी गुड, और दबाएं और दबाएं, कितनी ताकत है दिखाओ आज, और दबाओ और दबाओ और झटके से खोल दो। ये जो सर्वाइकल वाले हैं ना उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा क्योंकि वो लोग सारे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आज हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन जो है, देखो लेडीज के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम समझ आ रही ना सबको, और जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, तो गोमुख आसन का अभ्यास करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यदि इसका अभ्यास पूरी लाइफ किया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉर्मोन जो आपको बीमारियां होनी थी वो नहीं होती हैं। ठीक है, करना कैसे है, आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, दाएं पैर को ऐसे ही रखना, बाएं पैर को ऐसे क्रॉस कर दिया आपने, और आपके हिप का जो सेंटर पार्ट है वो आपने एड़ी के ऊपर रखा हुआ है। माइंड इट, आप जमीन पे नहीं बैठे हैं, आप एड़ी के ऊपर बैठे हुए, आपके जो हिप का सेंटर पार्ट है वो आपने एड़ी के ऊपर यानी कि दाएं पैर की एड़ी पे रखा हुआ है, बाएं पैर गिरा। ठीक है, जब आप इतना बैठ जाते हैं, पहले तो इतना ही बैठने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, ये देखो मैं वज्रासन में बैठी थी, ठीक है, वज्रासन में बैठी थी और मैंने इस पैर को उठा के इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो मैं जमीन पे नहीं बैठी हुई हूं, मैं एड़ी के ऊपर ही बैठी हुई। ये देखो, इतना प्रैक्टिस करने से भी बहुत सारे जो लेडीज के जो हॉर्मोन्स होते हैं, जेंट्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी सेटिंग, उनकी सिक्रीशन सही होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप, हम क्या कर रहे हैं, गोमुख आसन कर रहे हैं, ये आप बैठ गए। ठीक है, अब आगे बढ़े, इतना अगर आपका भी इसमें ऐसे डामा डोल डिंग डोंग कर रहे हैं तो पहले दीवार का सहारा लेके ऐसे ही बैठने की कोशिश करें, दो चार दिन बैठेंगे आपको हैबिट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस पोज के फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो टांग खड़ी है ना आपकी, वो वाला हाथ ऊपर से देखो ऐसे, और दूसरा हाथ पीछे नीचे से, और दोनों को ग्रिप बना लो, पकड़ लो दोनों को, ये देखो, और इस कोहनी को पूरा कान के साथ लगा के खींचो ऊपर की तरफ। आधे लाभ तो मैंने आपको बता ही दिए कि बैठने से क्या लाभ होते हैं, और जो आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वाइकल, आपके लंग्स देखो कितने सुंदर तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं, आपके लंग्स, आपके रिब्स प्रभावित हो रही है, आपकी आर्मपिट ऊपर की तरफ खींच रही है। आपने देखा होगा लेडीज के अंदर कितना फैट होता है कमर के ऊपर, तो जब आप अपने हाथों को कोहनी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपका सारा फैट डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि इसके फुल पोज में हमारे चेहरे की आकृति गो के समान हो जाती है, गाय के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम है गोमुखासन, गाय के मुख के समान हो जाती है। वापस आ गए, अब वापस इसको वज्रासन में बैठो। अब की बार हमें दाएं पैर को ऐसे उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे क्रॉस कर दिया सिंपल, और अपने हिप्स के सेंटर पार्ट को आपने बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रख दिया। ये देखो, जमीन पे नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं बाएं पैर की एड़ी के ऊपर। ठीक है, अब आपने जो हाथ, जो ये पैर ऊपर है ना वो वाला हाथ तो ऊपर से, और जो जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे से, और आपने इस, कल से मैं म्यूट ही करके बैठूंगी, आपसे गलती हो गई मेरे से। अच्छा उल्टा है, ठीक है, देखो ऐसे बैठे थे हम, ये वाला हाथ ऊपर से, ये वाला हाथ नीचे से, ये पकड़ लिया, दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे पकड़ना है, देखो कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है।
अगर आप इस कर पाएंगे ना, उसको तो महसूस करेंगे। अपनी गर्दन को आगे कभी नहीं निकालना है ऐसे, गर्दन को भी बिल्कुल कंधे की सीध में रखना चाहिए। और हाथ आपका कोहनी आपके कान के साथ लगी हुई है, आएंगे वापस। अच्छा लगा ना करके? अच्छा एक आसन और बताती हूँ मैं आपको, उसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, अगर हमारे ऑडियंस में से कोई ऐसी मतलब अभी गर्ल्स हैं और अभी उनको प्रेगनेंसी है या फिर उनको लेबर पेन, मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है मोटा मोटा कि इसको करने से लेबर पेन नहीं होते हैं, तो मतलब कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बढ़ जाती है। आपने क्या करना है, जमीन पे बैठना है। इसके अंदर कैसे बैठना है, ये देखो आपके पहले वज्रासन में बैठे हुए हो, सबको बैठना आता है वज्रासन में, क्या आप ऐसे बैठे हुए हो। आपने क्या करा, ये दोनों पैरों की एड़ियों को बाहर निकाल दिया और आपके बीच में जो जगह बनी है आपने अपने हिप्स को जमीन पे रखा है एट द, और घुटने आगे से खोलने नहीं है। आपके लिए चैलेंज यही है कि आपने दोनों पैरों को ये देखो बाहर निकाल लिया मैंने, ये देखो देख पा रहे हो क्या, और आपने घुटनों को आगे से मिला के रखना है। पहले केवल इतना ही बैठने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप इतना करते हो तो आपका पूरा फैट खिंचता है, और आपका वाइट फैट, दो तरीके के फैट होते हैं, ब्राउन फैट और वाइट फैट। तो जो वाइट फैट होता है बहुत फजी होता है, बहुत जिद्दी होता है, उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप इन क्रियाओं को करते हैं तो वाइट फैट भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये देखो ये पैरों को बाहर निकाल लिया और हम बैठ गए जमीन के ऊपर, दोनों घुटने मिला के रखने हैं। अब आपने क्या करा, देखो इस आसन में जाने का भी तरीका सीखना और आने का भी तरीका सीखना, फिर ही करना। आपने हाथ से इस पैर को पकड़ा और दूसरे पैर को पकड़ा, ये कोहनी का स्टैंड बना लिया, घुटने बिल्कुल मिला के रखना और धीरे धीरे पूरा लेट गए। दोनों हाथों को खींचते हुए सिर के पीछे लेकर आए और हाथों की ऐसे सिर के नीचे रख लिया, ग्रिप बना दिए। इस आसन के इतने लाभ हैं, एक तो सबसे पहले हमारा वेट लॉस हो जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि पतला इंसान करेगा तो और पतला हो जाएगा, जी नहीं, योग के बारे में ये भ्रम कभी ना पाले। योग में जिसका वजन बढ़ना होता है तो बढ़ जाता है, कम होना होता है तो कम हो जाता है, और स्टेबल रहता है तो स्टेबल भी रहता है। जिनका आइडियल बॉडी वेट होता है वो कभी ना घटता है ना बढ़ता है। इस क्रियाओं को करने से बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, तो उनका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको नहीं होती हैं। देखो अनाज तो सभी लोग खाते हैं, गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है, लेकिन गरीब और अमीर में मेरा मतलब उससे क्या फर्क है। क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि फर्क क्या रहता है। छह तरीके के तत्व होते हैं, मेजर और माइक्रो, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो माने ज्यादा, जो हमको हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो माने जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वो सभी लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। देखो गरीब इंसान भी खाता है, अमीर इंसान भी खाता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर, जिसमें कि ज्यादातर जो कमी पाई जाती है इन्हीं तत्वों की पाई जाती है। किसकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की और फाइबर की, जिनके अंदर हम कमी की वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डिसीज। अगर हमको ये पता चल जाता है कि इस चीज की कमी की वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, और आप वो चीज सिंपल आपके घर में होगी लेकिन आप खाएंगे नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है ना इस चीज की, तो जो हमने अभी आसन किया था उस आसन को करने से अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरी आते उसको ग्रहण ही नहीं कर रही तो वो सारा आपका वेस्ट स्टूल से बाहर निकल जाएगा। तो
ये वाला आसन करने से आपके अंदर तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने से बच जाते हैं। अब हम करेंगे दाईं ओर का शिथिलासन। पेट के बल लेट जाएं, देखो पैरों में फासला कर रखा है, देखो पैरों में फासला कर लिया, ठीक है। आपने दाएं हाथ को रखा, फिर बाएं हाथ को रखा उसके ऊपर, दाया हाथ उसके ऊपर बाया हाथ रखा, और जो हाथ आपका ऊपर है ना वो वाला कान लगा दो, सिंपल। समझ में आ गया? ये देखो मैंने कैसे किया, ऐसे लेटे, ये दाया हाथ रखा, ठीक, ये बाया हाथ रखा, ठीक है ना। अब ये जो हाथ ऊपर है ना वो वाला कान लगा दो, आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं इन चीजों को करने से। पैरों को खोल रखा है आपने, आगे बढ़ते चेतना में आए, दोनों हाथों को ऐसे कंधों के दाएं बाएं, माथा जमीन से, कोहनिया शरीर से चिपकी हुई, माइंड एट, ध्यान से सुनना, कोहनिया शरीर से चिपकी हुई, श्वास को छोड़ते हुए ठोड़ी को लगा दे पृथ्वी से और शरीर को 1 से 2 इंच आगे खींच दे, श्वास भरे धीरे धीरे, धड़ को ऊपर उठाते जाए, और उठा ले, और धीरे से पीछे से पैरों को भी उठा दें, रुके यहाँ पे आपकी लोअर बैक पे L4 L5 के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट आ रहा है। मत करना, कल से आपको गलती नहीं मिलेगी, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बाई हथेली को रखा, फिर दाई हथेली को रखा, जो हथेली आपके ऊपर है ना वो वाले कान को लगा दो, ठीक है। ये देखो बाई हथेली को रखा, सॉरी दाई हथेली को रखा, बाई को रखा, जो वाला हाथ ऊपर है ना वो वाला कान लगा दो, ऐसे जिसने पहले जो किया था उसे अपोजिट कर दो, और दोनों पैरों को खोल लो, रिलैक्सेशन भी जल्दी हो जाता है, रात को नींद भी अच्छी आती है। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के 3 फायदे, बहुत सारे फायदे तो हैं, मोटे मोटे फायदे बताती हूँ मैं आपको। ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, ऐसे बहुत कम आसन है जिससे आपका बीपी सामान्य हो जाता है। चलो मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, अब आएगा ना मैं वैसे काट दूंगी, ठीक है। अब धनुरासन करने के लिए देखो आपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लिया और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लिया। अब श्वास को बाहर निकालते हुए थाई वाला भाग जमीन से उठा दो और माथे को जमीन से लगा दो, जितना उठाओगे ना उतना आपकी ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और श्वास को भरते हुए आगे से धड़ को भी उठा दो, नाभि के ऊपर बैलेंस, आएंगे धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ को आगे लाते हुए ऐसे पीठ के बल आ जाओ और शवासन में विश्राम। मैं आसन पे चिप जाती हूँ क्योंकि फोन तो बानी रहा।
लंबे गहरे श्वास लो। एड़ी पंजे मिलाएं। अच्छा मैं आपको कह दी ना ट्विस्टिंग के बारे में, वैसे तो आपको पता है, मैं आपको फिर भी एक बार प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है ऐसे अपने हाथों को हिप्स के दाएं बाएं रखो और एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। ये देखो बहुत जल्दी कमर का दर्द ठीक हो जाता है। कोई भी अगर मुश्किल आसन कर भी लो ना, एक्साइटेड होकर भी कर लेते हैं कई बार हम कि हम तो कर लेते हैं, तो उसके बाद छोटी छोटी क्रियाओं को कर ले जिससे कि आपके किसी भी मसल के ऊपर अगर कोई प्रेशर आ गया था, वहां पे हल्के से भी इन्फ्लेमेशन या सूजन आ गई थी, तो आपको वो दर्द नहीं बनेगा। बेड के ऊपर भी कर सकते हैं इसको, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दाई टांग को मोड़े, पवन मुक्तासन कर रहे हैं। दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाए, श्वास भरते हुए घुटने को दबाया पेड़ों में, बायां घुटना जमीन से लगा के रखें, दोनों पैरों के पंजों को तान के रखें। अब आगे का हम जब गर्दन उठाएंगे वो सर्वाइकल और कमर के दर्द वालों को नहीं उठानी। श्वास को बाहर निकालते हुए उठाएंगे गर्दन को और नोज को लगाएंगे घुटने के साथ जितना लग पाए। बायां घुटना जमीन से लगा हुआ, पहले गर्दन वापस, फिर टांग सीधी करें। बायां घुटना मोड़ा आपने, ये दोनों हाथों की ग्रिप बनाई, श्वास भरते हुए दबाया पेड़ों में, श्वास को भरते हुए दायां घुटना जमीन से लगाए। जब आप दायां घुटना जमीन से लगाते हो ना, तो देखो आपकी बॉडी कितनी अलर्ट हो जाती है। वरना होता क्या है कि हम आसन कर रहे होते हैं, अमेरिका में घूम रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता हमारे शरीर के अंदर। तो जब आप अपने पूरे शरीर पे, जब मैं आपको जो दो शब्द बोल रही हूँ उन सारे शब्दों का ध्यान करोगे ना, तो आपका ध्यान आपके शरीर के अंदर ही रहेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए लगाए नासिका को, पहले गर्दन वापस, टांग सीधी करें, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, ग्रिप बनाए, श्वास भरते हुए दबाए, दोनों पंजों को तान के रखे, पवन मुक्तासन करने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है, दूषित वायु से छुटकारा मिलता है। जिनको वायु की प्रॉब्लम होती है, कई बार तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सिर्फ वायु की वजह से ही हो जाती है, तो पवन मुक्तासन करें और वायु से निजात पाए। नोज को लगाए, श्वास को बाहर निकालते हुए गठरी बना दे अपनी गठरी, छोटी से छोटी जगह में आप आ जाए, इतना सिकुड़ना सीख जाए, फैलना और सिकुड़ना ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो फैलना सीखते हैं तो सिकुड़ना भी सीखें। गर्दन को वापस लाए, करेंगे डोलन आसन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब दाएं बाएं करें, अगर किसी को सिर्फ कमर में दर्द है
टेल बोन में दर्द है तो वो ऊपर नीचे ना करना, वो सिर्फ दाएं बाएं करना। कमर का दर्द हो तो उछल कूद नहीं करनी, दाएं बाएं स्लो स्लो करें। वापस आज के आसनों का अंतिम शवासन करने जा रहे हैं। तो कल हमने आपको घुटनों के लिए बताया था, आज आपको कमर के लिए और लंग्स के लिए, कि लंग्स में हमारे श्वास की कैपेसिटी बढ़ती जाए। तो क्या करोगे, ऐसे आपने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है, बिल्कुल सीधा रख लिया, हिप से बिल्कुल सटा के, और इस पर लेट जाओ। दोनों पैर, पैर नहीं दिख रहे ना आपको मेरे, पैर खुले हैं, लंबे गहरे श्वास, बिल्कुल शरीर ढीला। शवासन, शिवासन, शक्ति प्रदान करने वाला आसन। करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, किसी भी विचार का ताना बाना ना बुने, विचारों को आने दें और जाने दें। दाएं करवट लेते हुए दाएं हाथ का तकिया बनाए, बाई कोहनी का स्टैंड, दाई कोहनी का स्टैंड बनाते हुए उठ बैठे। करेंगे सिंहासन, ऐसे हथेलियों को पलट के रखो, उंगलियों का रुख आपकी तरफ हो, दोनों भुजाएं मिला के रखनी है, दोनों टांगों को पीछे सीधा खोलो, पूरी जीवा को बाहर निकालो और नाक की टिप पर देखते हुए करेंगे एयर में, मतलब कि हवा में गार्गल्स। अंतिम आवृत्ति में पेड़ों को अवश्य पिचकाएं। जो गले में लार आ गई है उसको अंदर लेके जाएं। हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म वाले प्रॉब्लम जिनको होती हैं, गले में गला बड़ा सेंसिटिव होता है, ईएनटी की प्रॉब्लम रहती है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम रहती है, तो जब वो गले की मसाज है तो जरूर करें। गले की मसाज हमेशा टूवर्ड्स हार्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात, इस समय पे आप विक्स, कोई ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, कोई भी तेल, देसी घी वगैरह कोई भी ले और अपने गले की मालिश करें। ठीक है, ये बहुत अच्छी क्रिया होती है। हंसने का मन बनाएंगे,
लंबा गहरा श्वास भरें और करें अठासासी, करें प्रारंभ पूरा मन बना के। शांत, हंसना और हंसाना दुनिया में सबसे मुश्किल, रोना और रुलाना सबसे आसान, तो क्यों ना मुश्किल काम किया जाए। दिन में एक बार योग करने से आप ये मुश्किल काम चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब हमको 15-20 मिनट के लिए बैठना है जैसे, तो जिनके टेल बोन में दर्द रहता है या बहुत देर तक वो हिलते डुलते रहते हैं, ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, तो वे किसी भी हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसको मेडिटेशन ब्रेक कहते हैं। या आपके पास ये तो होगी ना, जैसे ब्लैंकेट तो घर में होता है, तो ब्लैंकेट की ऐसे फोल्ड बना के आप ऐसे रख लें, ठीक है, इसके ऊपर बैठ जाओ। आपको फिर भी पेन हो रहा है तो आप इसकी 2 लेयर और 3 लेयर भी कर सकते हो। तो आप जब इसके किसी हाइट के ऊपर बैठते हैं तो सबसे पहली बात ये फायदा होता है कि आप अपने लंबर को यूज नहीं करते बैठने के लिए, आप अपने हिप बोन्स को ही यूज करते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है और हम थोड़ी सी देर के लिए बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। बिल्कुल सीधे बैठो, सबसे पहले सीधा बैठना सीखो। सीधे बैठने के लिए अपनी हिप बोन्स का इस्तेमाल करें, एज आई रिपीटेड गेट, कि आपको अपने लंबर पे, देखो हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, लंबर पे बैठते हैं, तभी हमारे को कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में हमेशा। आपको लंबर पे नहीं बैठना, आपको कहाँ बैठना है, हिप बोन के ऊपर। और धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा करते जाओ, आगे से पेट की जो मसल्स है उनको भी सीधा करते जाओ, और साइड में जो आर्म पिट है, आपकी साइड की मसल्स है, उनको भी ऊपर की तरफ खींचते जाओ। आप देखेंगे, आप अंदर ही अंदर महसूस करेंगे कि आप बड़ी ऊंचाइयों की तरफ जाते जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद अपने कंधों को रोल बैक करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन को चेक करें मन की आंखों से, कंधे की सीध में है कि नहीं है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालें, त्रिबंध का अभ्यास। त्रिबंध का मतलब होता है मूल बंध, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचना, उड्यान बंध, नाभि को रीढ़ की तरफ दबा के रखना, और जालंधर बंध, ठोड़ी को कंठकूप से लगाना, या फिर ये कहा जाए कि जहां से आप थूक निकलते हैं उस पॉइंट पे बैरियर लगा देना, जालंधर बंध कहलाता है। ये 3 बंधों का अभ्यास करने से हम हमेशा निरोगी रहते हैं, हमेशा। अब धीरे धीरे नाभि से कंठ तक श्वास को भरें, पूरा श्वास भरने के बाद फिर से त्रिबंध का अभ्यास करें, पेड़ों को ढीला करते हुए फिर पूरा श्वास निकाल दें, फिर त्रिबंध का अभ्यास करें और क्रिया को दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास, लॉन्ग डीप ब्रेथ, ये हमारे जीवन का आधार है। प्रभु ने हमें जितने श्वास दिए हैं, श्वास हमारे उतने ही रहते हैं, लेकिन एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच में यदि हम गैप को बढ़ा देते हैं तो हम हेल्दी और दीर्घायु हो जाते हैं। तो गहरे लंबे श्वासों के द्वारा आप दीर्घायु बने।
करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ के आपने प्राणायाम मुद्रा बनानी है। प्राणायाम मुद्रा बनती है, अंगूठे के साथ वाली दो फिंगर को आपने बंद कर दिया, रेस्ट टू फिंगर्स आर इरेक्टिंग। ठीक है, तो आपने बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को भरते हुए क्रिया को शुरू करते हैं। हमेशा याद रखना, जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल है, लेफ्ट है, वहीं से श्वास को भरना होता है सबसे पहले। तो आपने राइट पे आपने थंब को लगाया और लेफ्ट से श्वास को भरा। श्वास भरने के बाद ये जो फिंगर्स आपकी खड़ी हुई हैं उसको लेफ्ट को प्रेस कर दिया और इस राइट वाले अंगूठे को रिलीज करके राइट से श्वास को बाहर निकाल दिया। फिर आपने राइट से श्वास को भरा और लेफ्ट से बाहर निकाला, ये होता है एक आवृत्ति। उसके बाद आपको इस तरीके से करते जाना है। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ, ना टेम्परेचर कम होगा ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, फीवर, फीवरिश आप फील नहीं करेंगे। तो और फीवरिश हम कब फील करते हैं, जब कोल्ड की आपको सेंसेशन होती है कि कोल्ड हो रहा है, फीवरिश फीवरिश सा लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है। तो जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। इसके अलावा जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो क्या है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और डिप्रेशन तनाव भी दूर करता है ये प्राणायाम। तो इसका जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके अंदर उतनी ही प्राणवायु जाएगी और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, टॉक्सिन जो कि होती है। आगे बढ़ते हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम में पहले आपको बैठना बिल्कुल सीधा, दोनों घुटनों को ऐसे मजबूती से पकड़ लिया आपने, पूरा श्वास बाहर निकाल दे पहले। अब नाभि से कंठ तक गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, इस श्वास को नासिका भाग से बाहर की तरफ फेंकते जाएं और बारंबार पेड़ों को मतलब कि नाभि को रीढ़ की तरफ पिचकाना है आपको। श्वास को बाहर फेंका, पेट को पिचकाया, श्वास को बाहर फेंका, पेट को पिचकाया। तो कपाल भाती प्राणायाम में साइमल्टेनियस दो क्रियाएं होती हैं। तो यदि आपको चेक करना है कि मैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप एक हाथ को नाक के सामने रखें और एक हाथ को पेट पे रखें। तो ये वाला हाथ आपको ये बताएगा कि श्वास बाहर थ्रो कर रहे हैं आप, और ये वाला हाथ ये बताएगा कि आपका पेट बार बार अंदर जा रहा है, अंदर भार का आपको ये वाला हाथ बताएगा। तो कपाल भाती प्राणायाम आपने आप करना शुरू करो। जब आपको लगे कि आप ठीक कर रहे हो तो हाथों को हटा लो और नॉर्मल करते जाओ।
पूरा श्वास बाहर निकाले तिरी बंद का अभ्यास करें। बाह्य कुंभक तिरी बंद कहते हैं इसको, श्वास बाहर निकाल के तिरी बंद में रुकना। पेड़ को ढीला करें, जो श्वास आनंद पूर्वक अंदर चला गया है उसको लेकर फिर से करेंगे तिरी बंद का अभ्यास। कर्मानुसार बंदों को खोलते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। कपालभाति प्राणायाम पूरी शुद्धि क्रिया है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क से लेकर आपकी नाभि तक की सारी बीमारियां दूर कर देती है। मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम से पार्किंसन, एल्जीमेर, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम जिसको मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, हाथों की ट्रेवलिंग होती है, याददाश्त कमजोर हो जाना, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम करने से। और जो नाभि से रिलेटेड जो जितनी भी बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड होता है हमारा यहाँ पे, और इसके अलावा ओबेसिटी, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ओवरऑल आपके पूरे शरीर को ये बिल्कुल स्वस्थ कर देता है कपालभाति प्राणायाम। आंख बंद करके प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। ध्यान का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, छोटी ओम की ध्वनि, ध्वनि मधुर, क्रमबद्ध, लयबद्ध, शुरू से अंत तक एक समान। करें स्टार्ट।
शांत मन ही मन ओम का जाप करें। अपने श्वास प्रश्वास को देखें, अपने विचारों को देखें। शुभ संकल्प करें, जनहित हेतु लोकहित हेतु। कार्यक्रम की समाप्ति पर एक बार लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद केवल शांति पाठ। भरे गहरा लंबा श्वास, क्षण भर के लिए शांत होकर बैठें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। इस प्रकार से बैठने की आदत को बनाएं, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, मेरी योग साधना नियमित बनी रहे, मैं औरों को भी योग से जोड़ने का प्रयास करूं। इसी संकल्प के साथ दोनों हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को आज की साधना का प्रसाद मानते हुए पूरे मुखमंडल पर, शरीर पर ग्रहण करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सभी को जो वीडियो YouTube लाइव जो क्लास चल रही है उसका लिंक आपको रेगुलर मिलता रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि यू विल गेट द नोटिफिकेशन रेगुलरली। क्लैपिंग का अभ्यास करें। सभी को जय सिया राम, जय प्रभु राम।